Good morning, everyone. Today, I am going to start with the next unit of macroeconomics, that is determination of income and employment. This unit is of 12 marks in your board exam. First of all, let us start with the numerical portion of this unit. In this, income is denoted as Y and investment is equal to I. Consumption C, saving equal to S. Income ka कुछ पार्ट कंज्यूम किया जाता है, कुछ पार्ट सेव किया जाता है. Y इज इक्वल टू C प्लस S. इनकम का हमेशा कुछ पार्ट कंज्यूम किया जाता है, कुछ पार्ट सेव किया जाता है. Y माइनस C इक्वल टू S एंड Y माइनस S इक्वल टू C. देन APC, that is average propensity to consume. Now what is this average propensity to consume? Propensity का मतलब है tendency. इसमें क्या आएगा, consumption की बात हो रही है ना, तो income का कितना part हम क्या कर रहे हैं, consume कर रहे हैं. For example, हम यहाँ पे एक चीज लेते हैं, दैट इज Y, C एंड S. इनकम अगर 100 है, मैंने 60 कंज्यूम कर लिया और 40 सेव कर लिया, तो 100 में से कितना कंज्यूम किया, दैट इज 60, तो इट विल बी 0.60. नेक्स्ट इज APS. APS इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. सेव है तो क्या आएगा, इनकम का कितना पार्ट हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, दैट इज 40/100, 0.40. 40 ही तो सेव किया आउट ऑफ 100. तो हमारे पास क्या आता है, एपीसी प्लस APS हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के, क्योंकि हम इनकम का कुछ पार्ट हमेशा कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट हमेशा सेव करते हैं. तो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS एंड APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC. देन व्हाट इज MPC? इट इज मार्जिनल propensity to consume. Now what is marginal propensity to consume? Marginal, that is change in consumption upon change in income. जो income में change आया है तो उसकी वजह से हमारी consumption में कितना change आया है. Suppose मेरी income 100 से 150 हो गई है, मैंने उसमें से 90 क्या कर लिया कंज्यूम और 60 क्या कर लिया, 150 में से 90 क्या कर लिया कंज्यूम और 60 क्या कर लिया सेव. तो कितना चेंज आया, डेल्टा सी क्या आएगा, इसे चेंज बोलते हैं, कि पहले में और अब में कितना चेंज आया 30 और इनकम में कितना चेंज आया 50. तो क्या आ जाएगा 0.60. एक होता है हमारे पास MPS, इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. क्या आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. कितना चेंज आया सेविंग में, 20, और इनकम वही 50 का चेंज है, इट विल बी 0.40. राइट, तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला है, MPC प्लस MPS भी किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल. मतलब जो भी इनकम में चेंज आएगा तो या तो हम कंज्यूम करेंगे या हम सेव करेंगे.
MPC is equal to 1 minus MPS and MPS is equal to 1 minus MPC. MPS is equal to 1 minus MPC. तो ये क्या है हमारे पास, हमने क्या क्या फॉर्मूलाज करे हैं एक बार रिकॉल करते हैं. Y is equal to C plus S. इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूमर, कुछ पार्ट से. Y minus C is equal to S. Y minus S is equal to C. APC, that is C upon Y. APS, it is S upon Y. MPC, delta C upon delta Y. MPS, delta S upon delta Y. APC plus APS is equal to 1. APC is equal to 1 minus APS. And APS is equal to 1 minus APC. MPC plus MPS is equal to 1. MPC is equal to 1 minus MPS. And MPS is equal to 1 minus MPC. Right? Next kya hai hamare paas? That is multiplier. Multiplier kya hai? Multiplier is equal to K. हम मल्टीप्लायर को किससे लिखते हैं, के से. फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. मतलब क्या है इसका, इट रेफर्स टू द रेट, टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. बच्चे इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट एक एक्सपेंडिचर है, राइट. तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम. एक का खर्चा दूसरे की क्या है, इनकम है. तो सपोज अगर 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट में चेंज आया और उससे इनकम जो है 120 करोड़ का चेंज आया है, तो कितने टाइम्स चेंज आया है, 3 टाइम्स चेंज आया है. तो K इज इक्वल टू 3. एक्चुअल में हम इसकी वर्किंग जो है, प्रॉपर वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर हम किस में पढ़ेंगे, थियोरी में पढ़ेंगे, वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो क्या है हमारे पास मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. मतलब क्या है इसका, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है. इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. हमारे पास मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज K is equal to 1 upon MPS or 1 upon 1 minus MPC. इसे प्रूव करके दिखा रही हूं मैं आपको. Y क्या होता है, C plus S होता है. और हम सेविंग को क्या लेके चलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर. जितना हम जो भी, अगर हमने जो कंज्यूम कर लिया वो तो कर ही लिया, जो भी हम सेव करेंगे उसी को ही तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो सेविंग किसके इक्वल हम कर रहे हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू आई. तो हम ये लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई भी लिख सकते हैं. डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई भी लिख सकते हैं. दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, dividing both the sides by delta y. Delta y upon delta y is equal to delta c upon delta y plus delta i upon delta y. दिस अपॉन दिस क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. क्या होता है, एमपीसी.
देखो बच्चे, के का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो दिस मीन्स अपॉन वन। अगर मैं वन अपॉन के लिख सकती हूँ तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई को वन अपॉन के लिख सकती हूँ, दोनों को मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन के। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, और वन माइनस एम पी सी क्या होता है, एम पी एस होता है, और यू कैन राइट के इज इक्वल टू वन अपॉन एम पी एस। तो हमारे पास के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, और वन अपॉन एम पी एस। एक बार दोबारा देखो हमने कैसे निकाला है, एक तो हमारे पास के क्या है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से ऑब्वियसली इनकम में भी चेंज आएगा। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने मतलब अगर इकोनॉमी में, क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो हम टोटालिटी को लेके चलते हैं, तो हम इकोनॉमी का लेके चल रहे हैं। जब आप इसकी वर्किंग कर लोगे तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा थियोरी पढ़ के, बिकॉज वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल पोर्शन जस्ट नाउ। अगर इकोनॉमी में 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, सपोज गवर्नमेंट एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करा रही है, तो उसमें गवर्नमेंट ने 40 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो उससे जो इनकम जनरेट हुई है, हमने अज्यूम करी है 120 करोड़ इकोनॉमी में जो जनरेट हुई है इनकम, तो क्या है हमारे पास, 3 times आ गई। और फॉर्मूला क्या है, सेविंग किसके इक्वल होती है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल, तो वाई इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा था इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम किया जाता है और कुछ पार्ट सेव, तो इसको हमने आई के इक्वल रख दिया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, दोनों साइड्स को डेल्टा से डिवाइड कर दो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। वन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एम पी सी, प्लस हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, वन अपॉन के इज इक्वल टू, जब k का फॉर्मूला ये है तो 1 अपॉन k को हम रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन k, तो k इधर ले गई, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, और यू कैन राइट 1 अपॉन एम पी एस। तो ये k के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, और 1 अपॉन एम पी एस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन आन इकोनॉमी एम पी सी कितना गिवन है हमें, 0.8, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, इंक्रीज का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कितना है रुपीज 1000 करोड़। आपको निकालना क्या, पहले जो गिवन है और जो निकालना है वो नोट डाउन कर लो, टोटल इंक्रीज इन इनकम डेल्टा वाई आपको निकालना है। कैसे करेंगे, के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, 1 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 5, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई, इसी से ही तो डेल्टा वाई निकल सकता था, के की वैल्यू 5, डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वाई रहने दो, डेल्टा आई क्या गिवन है 1000, डेल्टा वाई कितना आ जाएगा रुपीज 5000 करोड़, डेल्टा वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज रुपीज 5000 करोड़। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू राइज इन द नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया है रुपीज 200 करोड़, और वो कह रहे हैं उसकी वजह से नेशनल इनकम में कितना चेंज आया है 1000 करोड़। वॉट यू हैव टू कैलक्यूलेट, एम पी सी, के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई क्या है 1000, डेल्टा आई क्या है 200, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, दैट इज 5,
के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/(1-MPC) के की वैल्यू 5, 1/(1-MPC) 5 - 5 MPC इज इक्वल टू 1, 5 - 1 = 4, इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4/5 इज इक्वल टू MPC, क्या आ जाएगा, MPC की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8, राइट। नेक्स्ट इज इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इनकम का 75% इनकम का उन्होंने क्या कहा, इंक्रीज इन इनकम, जो भी इनकम में चेंज आया है उसका 75% कंज्यूम कर लिया गया। कितने परसेंट, 75, ये किसका फॉर्मूला होता है, एमपीसी। एमपीसी क्या है, 75%, एमपीसी इज इक्वल टू 0.75 इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम। एक बार दोबारा बता रही हूं, इंक्रीज इन इनकम मतलब चेंज इन इनकम, जो भी इनकम में चेंज आया है ना उसका 75% क्या कर लिया गया, कंज्यूम। ऑब्वियस इनकम में चेंज है तो कंजम्पशन में चेंज है, कितने परसेंट कंज्यूम कर लिया गया, 75। तो चेंज क्या होता है, एमपीसी होता है, तो हमने एमपीसी कितना निकाल लिया, 0.75। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, ₹1000 करोड़ निकालना क्या है, टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको निकालना है। क्या करेंगे, K इज इक्वल टू 1/(1-MPC), 1/(1-0.75), 1/0.25, पॉइंट हटाया, 25 + 25 = 4। K की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई हमारे पास। नाउ K इज इक्वल टू ∆y/∆i, k की वैल्यू 4 लिख दो, ∆y हमें निकालना है और ∆i कितना गिवन है, 1000, तो ∆y कितना आ जाएगा, 4000 करोड़। ∆y हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 करोड़ आ जाएगा। ∆c भी निकालना है, ∆c MPC इज इक्वल टू ∆c/∆y, MPC हमने क्या है हमारे पास, 0.75, ∆c निकालना है, ∆y कितना है, 4000, तो हमारे पास ∆c कितना आ जाएगा, दैट इज योर 3000 करोड़। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 करोड़ आ जाएगा। इज इट क्लियर, गो थ्रू द टॉपिक, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।